आगे बढ़ते हैं बात रेवाड़ी की। रेवाड़ी के राजगढ़ गांव की छात्राओं का धरना आज तीसरे दिन भी लगातार जारी है। रविवार को सूबे के राज्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल छात्राओं से मिलने पहुंचे और नियम के मुताबिक ही स्कूल को अपग्रेड करने की बात कही, जिस पर छात्राएं और उनके परिजन राज्य मंत्री से असंतुष्ट नजर आए और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह से गांव में आने की अपील की और मांग रखी। स्कूल अपग्रेडेशन की मांग को लेकर रेवाड़ी के राजगढ़ गांव में छात्राओं का संघर्ष जारी है। रविवार को हरियाणा के राज्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल छात्राओं और उनके परिजनों से मिलने धरना स्थल पर पहुंचे और छात्राओं को आश्वासन दिया कि 150 बच्चों के दाखिला पूरा होने पर स्कूल को अपग्रेड कर दिया जाएगा, लेकिन छात्राएं मानने को तैयार नहीं है। वहीं छात्राओं के अभिभावक और गांव के सरपंच का कहना है कि कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह गांव में आए और उन्हें स्कूल के अपग्रेडेशन का भरोसा दे। वहीं जिला पार्षद नीतू चौधरी भी छात्राओं के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। इन्होंने ये कहा है कि राव नरबीर सिंह आ जाए, हम तो हमारा गांव बॉर्डर का गांव है और यहाँ 150 बच्चे पूरे होने बहुत मुश्किल काम है। तो 50 हो ना नोमन तेल होगा ना राधा ना, तो हम सारा गांव इस बात पे सहमत हुए हैं कि राव नरबीर सिंह यहाँ है और हमारा हम पे उनको भरोसा नहीं, वो हमें ये भरोसा है कि वो जब आएंगे तो सब कुछ ले कर आए। बच्चे यही कह रहे हैं कि पहले चंडीगढ़ से लेटर आए उसके बाद ही हम तो मैं इन्हीं के साथ हूं, लेकिन कानूनी तौर पे 150 बच्चे होंगे तभी आज पूरा होगा। उधर झज्जर में एक कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने स्कूल अपग्रेडेशन के लिए हड़ताल को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री इस मामले को लेकर खासे संवेदनशील हैं और नियमों के मुताबिक ही स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेडेशन का एक अपने एक वारंटी है कि भाई कितने विद्यार्थियों की संख्या हो, कितनी विद्यालय हो, उस सब के आधार पर विभाग करता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अगर वो उसे में आते हैं, मैं कहूँगा कि संवेदनशील शिक्षा मंत्री है तो निश्चित रूप से ऐसी बातों पर वो आगे बढ़ेंगे। गोठड़ा टप्पा हंडीना गांव के बाद राजगढ़ गांव की छात्राएं भी सामने आई हैं। ये भी स्कूल दूर होने और छेड़छाड़ के चलते गांव में ही स्कूल को अपग्रेड करने की मांग पर अड़ी हैं। रविवार को ज्यादा गर्मी होने के चलते दो छात्राओं की तबीयत भी बिगड़ गई, लेकिन छात्राएं पीछे हटने को तैयार नहीं है। झज्जर से संजीत खन्ना के साथ अनिल रस्तोगी, जी मीडिया, रेवाड़ी।